हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ का नेक्स्ट टॉपिक आज जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है लीगल ऑब्लिगेशंस को लेकर के, कि आफ्टर ऑल लीगल ऑब्लिगेशंस होते क्या हैं। अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि जब आप बिजनेस लॉ का मेन टॉपिक दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट जो हम डिस्कस करते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता बट एक अग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल होता है बाय लॉ। तो यानी कि लीगल ऑब्लिगेशंस जिसमें क्रिएट हो जाती हैं यहाँ पे, उसको आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एक अग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्स है, जो कि लीगली ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, दैट इज़ कॉल्ड योर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जाना, अग्रीमेंट का मतलब जाना। नाउ लीगल ऑब्लिगेशंस कब क्रिएट किए जा सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल टॉपिक, तो पूरा ध्यान से समझिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे कोई भी अग्रीमेंट जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट तभी बन पाएगा जब उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज हो सके। यानी कि लेट सपोज आपने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मुझसे सीधा सीधा बोला कि भाई मैं तेरे को मेरी गाड़ी चाहिए, ठीक है मेरी गाड़ी ले जा, बट एक काम कर मुझे रिया प्रिया नेहा जो भी यू नो समवन का नंबर दे दे। सो यहाँ पे आपने जो है एक यहाँ अग्रीमेंट कर लिया, आप अग्री हो गए कि ठीक है मैं आपकी गाड़ी लेके जाऊँगा और मैं तुझे नंबर प्रोवाइड कर दूँगा या कोई भी एक्स वाई जेड काम करके दे दूँगा। अब आप जो है उसकी गाड़ी लेके चले गए, यूज़ कर लिया, लेकिन उसको उस मतलब आपने जो काम करना था, जो नंबर देना था, वो आपने नहीं किया। आपने कहा नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करता, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। सो नाउ क्या वो जो सेकंड पार्टी है वो इस बात पे लेकर के आपको कोर्ट तक ले जा सकती है कि जज साहब हमारे बीच में ये डिस्कशन हुआ था और ये अग्रीमेंट हुआ था और ये अग्री भी किया था, हम दोनों जो है इस बात पे अग्री किए थे, बट नाउ मैंने अपना पार्ट कर दिया, मैंने अपनी गाड़ी इसको यूज़ करने के लिए दे दी और इसने उसके बदले में मुझे नहीं करके दिया वो काम जो भी हमने डिसाइड किया था। तो वहाँ पे जो जज बैठे ना, पहले आपकी शक्ल देखेगा, फिर आपके वकील की तरफ देखेगा, फिर आपकी शक्ल देखेगा और उठा के बाहर फिकवा देगा, बिकॉज दिस डजंट क्रिएट और दिस डजंट राइज अ लीगल ऑब्लिगेशन, कि भैया यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप उसको अपनी गाड़ी बेचोगे और वो आपको 2 लाख रुपए देगा, ठीक है आपकी गाड़ी तो वो लेके चला गया लेकिन पैसे नहीं देखे गया। अब यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है, राइट। सो इन ऑर्डर दैट एन अग्रीमेंट मे बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो एक अग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। वहीं पे इट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए कि कल को अगर कोई पार्टी मुगरती है तो उसको कोर्ट में ले जा करके वहाँ पे जो है उससे वो काम करवाया जा सके। सो एन अग्रीमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेफर करता है एक प्रॉमिस या एक सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि किसी कंसिड्रेशन के लिए या जो कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए कोई कंसिड्रेशन कुछ उसके रिटर्न में देगा और यहाँ पे उसको रिकग्नाइज्ड किया जाएगा इनफोर्सिबल बाय लॉ। यानी कि एक अग्रीमेंट आपका क्या है, एक सेट ऑफ प्रामिस है और यहाँ पे आप एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हो, जैसे आपको पैसा मिल रहा है, आपको दूसरे व्यक्ति को गाड़ी मिल रही है और वो आपका कंसिड्रेशन भी जो है वो भी आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एक ऑब्लिगेशन विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ नॉट रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी चीज़ जो कि आप इन्फोर्स नहीं करा सकते बाय लॉ, तो उसको आप जो है कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सोशल मॉरल और रिलीजियस अग्रीमेंट डू नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। देखो कोई सोशल आपका जो है अग्रीमेंट है, कोई मॉरल अग्रीमेंट है, कोई रिलीजियस अग्रीमेंट है, तो वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आपने कोई सोशल ऑब्लिगेशन अग्रीमेंट किया कि हम ये कर देंगे, तो वो आपका जो है लीगल ऑब्लिगेशन नहीं करता, कि सोशल वर्क को लेकर के, मॉरल्स को लेकर के कि भाई हमारे मॉरल्स हमें ये कहते हैं, रिलीजियस को लेकर के अगर कोई अग्रीमेंट है तो वो आपका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनाएगा। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंसर्न्ड होता है विद ओनली दोज ऑब्लिगेशन जो कि अराइज होते हैं आउट ऑफ एन अग्रीमेंट। अब ऑब्लिगेशंस कौन कौन से आएंगे आपके, जो भी अग्रीमेंट में आपने ऑब्लिगेशंस बनाए हैं वो आपके ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं। जैसे हमने मिलकर के एक अग्रीमेंट बनाया कि आप मुझे गाड़ी बेचेंगे मैं आपको पैसे दूंगी, तो यहाँ पे मेरा ऑब्लिगेशन है आपको पैसे देना, आपका ऑब्लिगेशन है मुझे गाड़ी देना। सो ये एक लीगली अब ऑब्लिगेशन हमारे निकल के आ गए हैं।
नेक्स्ट चीज़, किस चीज़ को माना जाएगा कि भाई ये लीगली ऑब्लिगेशंस है या नहीं? जज साहब बैठेंगे तो क्या चीज़ें देखेंगे? कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशंस जो कि किसी काम को करने के विपरीत ना हो, जैसे कि कुछ एक्ट के तहत कहा गया है कि भाई आप किसी का खून नहीं कर सकते, आप किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप किसी को जो है दहेज नहीं ले सकते, धमका नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अगर आप ऐसा कोई अग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें ये सारी इनलीगल चीज़ें आप डाल रहे हो, तो वो लीगली ऑब्लिगेशंस उसका नहीं क्रिएट होता। अगेन, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि अगेंस्ट द लॉ है, एक्स वाई जेड कोई भी लॉ के, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी लॉ के अगेंस्ट में है, तो एक वो वैलिड यहाँ पे ऑब्लिगेशंस आपका क्रिएट नहीं होता। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।